हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं व्हाट्सएप की तरह ही सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर में ग्रुप कैसे बनाया जाता है। जी हां, बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक सही समय पर पहुँचती रहे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर में अपना ग्रुप बनाने के लिए तो सबसे पहले हमने एप्लीकेशन को यहां से ओपन कर लेना है। तो जिसके बाद आप सभी इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी अपना नया ग्रुप क्रिएट करने के लिए आप सभी को ऊपर सर्च बार के साथ ही 3 डॉट्स मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी को फर्स्ट ऑप्शन नजर आ रहा होगा न्यू ग्रुप का, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो जिसके बाद इस इंटरफेस पे आप सभी ऊपर नेम या फिर मोबाइल नंबर से अपने कॉन्टैक्ट्स को सर्च कर सकते हैं जिन्हें आप इस ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं। इसी के साथ आप सभी को नीचे भी आप सभी के कॉन्टैक्ट्स हैं जो नज़र आ रहे होंगे, यहां से भी आप सभी डायरेक्ट उन्हें ग्रुप में पहले से ही सेलेक्ट कर सकते हैं ऐड करने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों, आप सभी नीचे स्किप भी कर सकते हैं। ग्रुप बनने के बाद आप सभी लिंक के जरिए भी अपने दोस्तों को ग्रुप में है जो ऐड कर सकते हैं। तो अपने ग्रुप में फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स को ऐड करने के लिए आप सभी को नीचे कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहे होंगे, इस पर हमने सिंपल एक बार टैप करना है। जिसके बाद आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लू टिक आ चुका है। ब्लू टिक आने के बाद अभी ये कॉन्टैक्ट हमारे ग्रुप में है जो ऐड होने के लिए रेडी है। इसी तरह आप सभी स्टेप बाई स्टेप आगे जिन्हें ऐड करना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट करने के बाद हम तो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप सभी को नीचे एरो नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर में, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो इस इंटरफेस पे अभी हम अपने ग्रुप का नाम है जो सेट कर लेंगे, जो भी आप सभी नाम है जो अपने ग्रुप का रखना चाहती हैं। तो फिलहाल यहाँ से मैं मैकेनिकल मास्टरमाइंड हमारे यूट्यूब चैनल का नाम ही रख देता हूँ। तो नाम सेट हो जाने के बाद आप सभी साथ ही साथ यहाँ से अपने ग्रुप की DP भी लगा सकते हैं। इसके लिए आप सभी ने कैमरा लोगो पे क्लिक करना है। यहाँ से आप सभी टेक फोटो या फिर चूज फ्रॉम गैलरी में से जाकर किसी भी फोटो को अपने ग्रुप में लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं अभी गैलरी में जाकर किसी भी फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। गैलरी में आने के बाद यहाँ से इस फोटो को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आप सभी ने ऊपर टिक पे क्लिक कर देना है, दोबारा से टिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हमारे ग्रुप पर ये इमेज है जो लग चुकी है और यहाँ पर हमने नीचे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं फाइनली हमारा ग्रुप क्रिएट हो चुका है। और आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जिस ग्रुप को मैंने अभी यहाँ पर क्रिएट किया है, इस ग्रुप का लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का आप सभी को ये बेनिफिट रहेगा, आप सभी को सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर से रिलेटेड वीडियोज के लिंक आप सभी को डायरेक्ट इसी ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो आप सभी जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस ग्रुप में आने के बाद अगर आप सभी फ्रेंड्स को इन्वाइट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इनवाइट फ्रेंड्स नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होगा। आप सभी को यहाँ पर नजर आ रहा होगा अप्रूव न्यू मेंबर्स, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं। आप जिसे भी अपने ग्रुप का लिंक सेंड करेंगे उसके बाद वो आपके ग्रुप को ज्वाइन करेगा, तो आप सभी सबसे पहले चेक करेंगे किस किस को आपने अप्रूव करना है अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। तो आप सभी इसे इनेबल कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं। इसी के अलावा आप सभी को नीचे इनेबल एंड शेयर लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को 4 ऑप्शन नजर आएंगे शेयर वीआर सिग्नल। तो यहाँ पर आने के बाद आप सभी अपने कॉन्टैक्ट्स को डायरेक्ट यहीं से 1 बाय 1 सेलेक्ट करके उन्हें ग्रुप के लिए इनविटेशन लिंक है जो सेंड कर सकते हैं। और इसी के नीचे आप सभी को कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके आप सभी अपने ग्रुप के लिंक को कॉपी कर सकते हैं। तो अपने लिंक को आप सभी अपने कॉन्टैक्ट्स को है जो शेयर कर सकते हैं। इसी के नीचे आप सभी को QR कोड मिल जाएगा, तो QR कोड को भी आप सभी अपने कॉन्टैक्ट्स को है जो शेयर कर सकते हैं, जिसके जरिए वो आपके ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे। और इसी के बाद आप सभी को नीचे शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करने के बाद आप सभी और एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिनके जरिए आप सभी डायरेक्ट है जो अपने इस ग्रुप का लिंक शेयर कर सकती हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को पता चल गया होगा कैसे सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर पर अपना ग्रुप क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आगे की आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।